पंजाब सरकार की तरफ से बीते कल जो वीकेंड के लॉकडाउन के नए आदेश जारी किए हैं, उसके बाद आज पहले शनिवार को जिला गुरदासपुर में बाजार कई जगह खुले तो कई दुकानें बंद देखने को मिली है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे प्रशासन और सरकार के हर आदेश की पालना करने को तैयार हैं, क्योंकि ये उन्हें भी एहसास है कि कोई भी फैसला अगर सरकार ले रही है तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए ले रही है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि सरकार ने पहले शनिवार को दुकानें बंद करने का आदेश दिया था और कल बीती शाम को दुकानें खोलने और आवाजाही बंद रखने का आदेश दिए हैं, जो बिल्कुल एक हटके है। अगर बाजार में आवाजाही नहीं होगी तो दुकानें खोलने का क्या लाभ। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग रखी है वे अपने इस वीकेंड लॉकडाउन को स्पष्ट करें, जहां इस पर दोबारा विचार किया जाए। अगर लोगों को बाहर ना आने के आदेश हैं तो दुकानें सभी बाजार भी बंद करने का आदेश होना चाहिए। देखो गल है कि सरकार ने कहा कि दुकाना जड़िया ने यह बंद रहनगियां, फिर सरकार ने कहता फेसबुक पर आके अमरिंदर सिंह ने कि दुकाना खुलनगियां, आवाजाही तो पाबंदी रहेगी। जे आवाजाही तो पाबंदी, दुकाना खुलन का की फायदा। नंबर दो, या तो सरकार ठोक के गल करे भी दुकाना बंद रहनगियां, फिर तो ठीक है। जे एक पासे कहिंदे दुकाना खोलो, एक पासे कहिंदे ने कि आवाजाही पाबंदी रहेगी, ये तो दो दो बयान का काम कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार भंबर भूसे पाने वाली गल करती पी है। यशपाल चौहान, जिहड़ा दो दिन का लॉकडाउन किया शनिवार और इतवार को, मैं उहदे नाल जो भी प्रशासन ने फैसला लिया है मैं उहदे नाल सहमति तो जरूर जताना, पर नाल नाल इस चीज़ का जरूर इतराज़ भी है कि अगर दुकाना खुलवानियां तो पूर्ण रूप के खुलवाइया जान, गाहक भी आवाजाही बने। उस तरह दुकाना खोलन का कोई फायदा नहीं। अगर लॉकडाउन करना तो पूर्ण रूप के दुकाना भी बंद होन और आवाजाही भी बंद होए, तद ही यह कामयाब है। नहीं तो उदा कोई फायदा नहीं है भी दुकानदार तो दुकाना खोल के बैठे और गाहक आए ना, ये कोई कामयाब तरीका नहीं है और मैं सहमत भी नहीं है। अगर लॉकडाउन करवाना तो पूर्ण रूप के आवाजाही भी बंद होए और दुकाना भी बंद होन, फिर यह कामयाब है लॉकडाउन, नहीं तो उस तरह कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम अमन खोसला, मेरा ये मतलब है सरकार ने जो लॉकडाउन किया ये तो चलो एक पब्लिक हित वास्ते किया कि लोगों को मतलब अवेयरनेस किया जाए कि इस चीज़ तुहानू बचना चाहिए। बाकी दूसरी गल ये जिहड़ा लॉकडाउन करके इन्होंने कहा कि शनिवार तो दुकाना बंद रहनगियां, उन्हां दा किसी नूं कोई पता नहीं लग रहा कि दुकान शनिवार खुलनी है कि नहीं खुलनी। जे दुकाना खुलनगियां तो आवाजाही तो रोक है, जे आवाजाही तो रोक है तो कस्टमर तो किसी दुकान पर आना नहीं, तो कस्टमर में भी कोई संयम हैगा कि अभी दुकान शॉपिंग कर जाइए ना जाइए। तो जे इदा की नीति सरकार चलदी रहनगियां, सरकार इदा के फैसले करदिया रहनगियां, खुलनगियां नहीं खुलनगियां, दुकान इदा खुलनगी ना, का दुकाना खोलन का फिर फायदा वै ना कुछ है। इस करके सरकार को चाहिए पूरी क्लीयर कट इन्हों दसना चाहिए कि यह दुकान इन्ने तो मंडे तो लैके सैचरडे तक इन्ने तो इन्ने खुलनगियां, कि जबकि किसी भी किसी गल का कोई संयम ना। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।